हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का देख रहे हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी जब होता है तो उसमें हमारा सर्कुलर फ्लो कैसा होता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक में टू सेक्टर और थ्री सेक्टर इकोनॉमी देखा है। टू सेक्टर में हम लोगों ने देखा है कि हाउस होल्ड और फर्म होता है, बिजनेस फर्म होता है। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हम लोग गवर्नमेंट को ऐड कर देते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को। और फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में हम लोग फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड कर देते हैं, जिसमें कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंक्लूड हो जाता है। तो अभी तक में हम लोगों ने क्या देखा है, अभी तक में हम लोगों ने देखा है कि बिजनेस सेक्टर होता है और हाउस होल्ड सेक्टर होता है। ये हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी में है, जहां पर कि हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई करता है बिजनेस सेक्टर को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब साधन जिसके द्वारा करते हैं उत्पादन किया जाता है, जैसे लेबर का, श्रम का सप्लाई करता है, लैंड का सप्लाई करता है। उसके एवज में बिजनेस सेक्टर क्या देता है, इनकम देता है। किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। इनकम किस चीज के लिए देता है? मान लीजिए अगर कोई बिजनेस फर्म में काम कर रहा है, लेबर श्रम के रूप में काम कर रहा है, तो उसके एवज में वो इनकम देता है, वेजेस देता है श्रम को या लेबर को। या अगर लैंड इस्तेमाल कर रहा है जो कि हमारा हाउस होल्ड सेक्टर ने सप्लाई किया है, तो उसके बदले एवज में वो उसको रेंट देता है। तो इस प्रकार से ये होता है। अब बिजनेस सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है इसको, क्योंकि ये जो साधन है जिससे उत्पादन करता है उससे वो प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट करता है कौन? खरीदता है। प्रोडक्ट खरीदता है हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये बिजनेस फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को हमारा प्रोडक्ट सप्लाई करता है, और वहीं ये क्या करता है, ये कंजम्पशन के लिए पैसे खर्च करता है जो कि उसे इनकम के रूप में प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा टू सेक्टर का इकोनॉमिक का मॉडल है। वहीं जब हम लोग थ्री सेक्टर को जोड़ते हैं तो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? गवर्नमेंट सेक्टर को हाउस होल्ड जैसे इनकम टैक्स होता है, ये टैक्स देती है, लोग टैक्स देते हैं जो कि गवर्नमेंट के पास जाता है, उसी से वो खरीदारी करता है, गवर्नमेंट परचेज करता है कुछ भी। और वो किससे खरीदता है? बिजनेस फर्म से खरीदता है। और बिजनेस फर्म क्या करता है, बिजनेस सेक्टर, ये भी टैक्स देता है कॉर्पोरेशन टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड को क्या देता है? ट्रांसफर पेमेंट्स करता है, जैसे बेरोजगारी भत्ता देता है, ओल्ड एज पेंशन देता है, या वेलफेयर एक्टिविटीज के रूप में कोई भी प्रोग्राम चलाता है, तो उस रूप में यहाँ आता है। अब हम लोगों को देखना है फोर सेक्टर इकोनॉमी। ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी तक का ये डायग्राम है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। अब अगर हम लोग फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि लीकेज और इंजेक्शन ये क्या होता है। लीकेज क्या होता है? जब इकोनॉमी से अगर रुपया बाहर चला जाए, उस सर्कुलर फ्लो से बाहर चला जाए, तो हम लोग कहते हैं कि वो लीकेज है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे किसी पाइप में लीकेज हो गया है तो वो बाहर जा रहा है, तो लीकेज हम लोग उसको कहेंगे। और वहीं इंजेक्शन क्या कहते हैं, अगर उसके अंदर डाल दिया जाता है किसी इकोनॉमी के अंदर, तो उसको हम लोग इंजेक्शन कहेंगे। जैसे इंजेक्शन किसी को पड़ता है तो उसके अंदर में वो दवाई दी जाती है, तो इंजेक्शन यहाँ पर होगा। अगर किसी बाहर से कुछ पैसे अगर आ जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में के अंदर, तो उसको हम लोग कहेंगे वो इंजेक्शन है। तो जब हम लोग फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट को अगर हम लें, ठीक है, अगर हम लोग एक्सपोर्ट को माने, तो एक्सपोर्ट से क्या होता है, अगर कोई देश एक्सपोर्ट करता है तो उससे क्या होती है, कमाई होती है। तो कमाई हो रही है तो वो क्या हो रहा है, वो इकोनॉमी के अंदर पैसा आ रहा है, मतलब सर्कुलर फ्लो के अंदर आ रहा है। तो हमेशा जब इंजेक्शन की बात होगी या इनफ्लो की बात होगी, तो एक्सपोर्ट हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंजेक्शन का काम करेगा, इनफ्लो का काम करेगा। वहीं अगर हम लोग इंपोर्ट की बात करते हैं, तो इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट में हम लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो हमारे जो इकोनॉमी से होता है वो पैसा बाहर चला जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से वो पैसा बाहर चला जाता है, तो हम लोग इंपोर्ट को क्या कहेंगे कि लीकेज है। तो एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट हम लोगों को इनकम क्रिएट कर सकता है डोमेस्टिक फर्म में। अब डोमेस्टिक में या डोमेस्टिक फर्म कहने का मतलब है कि हमारे देश के अंदर जो फर्म है उसकी वो कमाई का एक जरिया हो सकता है, एक साधन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट जब करते हैं तो फॉरनर्स जो है हमारे देश के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, और जब वो खरीदते हैं तो उसके एवज में वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा खर्च करते हैं, वो कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं, तो वो पैसा हमारे इकोनॉमी के अंदर आ जाता है, तो वो एक इंजेक्शन के रूप में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर काम करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या रोल है। अब इसे हम लोग डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको
दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड कर लेंगे। ये मान लीजिए हमारा फॉरेन सेक्टर है, ठीक है। अब फॉरेन सेक्टर से कोई भी हाउसहोल्ड क्या करता है, ये हम लोगों का इंपोर्ट करता है। तो मान लीजिए क्या करेगा, ये इंपोर्ट करता है, और अगर मान लीजिए कि यहीं के कुछ लोग बाहर जाकर अगर कमा रहे हैं उस देश में, दूसरे देश में जाकर कमा रहे हैं, तो वहां से अगर पैसा भेजते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो ट्रांसफर पेमेंट होता है। ट्रांसफर पेमेंट किसको जाएगा, हाउसहोल्ड सेक्टर को ही जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग देख, आप लोग जानते हैं कि यहाँ के कई सारे लोग जो होता है बाहर जाकर कमाते हैं, तो वहां से वो पैसा भेजते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफर पेमेंट जो है ये आएगा हाउसहोल्ड के अंदर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसफर पेमेंट। जब बाहर से जो काम करने वाले लोग जब पैसा देश भेजते हैं तो उसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बिजनेस सेक्टर से क्या है हमारा, तो बिजनेस सेक्टर भी क्या करता है, यहां पर जो है सामान बाहर भेजता है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए ये कोई कंट्री है, वो अगर इस बिजनेस सेक्टर से हमारे देश के किसी फर्म से कुछ खरीद रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो इंपोर्ट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको इंपोर्ट दिखा सकते हैं। और अगर फॉरेन सेक्टर कोई सामान खरीद रहा है तो, या बिजनेस फर्म कोई सामान खरीद रहा है, तो वो क्या होगा, वो एक्सपोर्ट हो जाएगा और ट्रांसफर पेमेंट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं। ये फर्म की तरफ जाएगा तो दूसरे देश के लिए ये क्या हो जाएगा, ये दूसरे देश के लिए एक्सपोर्ट हो जाएगा, और एक्सपोर्ट जब होता है तो पेमेंट आता है, तो इसीलिए ट्रांसफर पेमेंट्स बिजनेस सेक्टर को भी आ जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम होता है फोर सेक्टर इकोनॉमी में। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग इसके डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। ये जो हमारा प्रोडक्ट मार्केट और कंजम्पशन कब इंक्लूड होगा, ये दोनों इंक्लूड होगा हमारे टू सेक्टर इकोनॉमी में। जब हम लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा कैपिटल मार्केट आता है। जब गवर्नमेंट सेक्टर होगा तो हमारा हो जाएगा थ्री सेक्टर इकोनॉमी। और जब हमारा फॉरेन सेक्टर को भी हम लोग फिगर में अगर दिखलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा फोर सेक्टर इकोनॉमी। उम्मीद है आप लोगों को ये फिगर क्लियर होगा। और इस फिगर में दिखा क्या रहा है, इस फिगर में दिखा रहा है कि अगर कोई हाउसहोल्ड सेक्टर जो है हमारा, वो हाउसहोल्ड सेक्टर अगर कोई सामान खरीदता है तो बाहर से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो इंपोर्ट है। और इंपोर्ट जब करता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जब कोई सामान खरीदता है तो उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, फॉरेन सेक्टर में चला जाएगा, दूसरे देश में चला जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से लीकेज हो रहा है। और हाउसहोल्ड को जब कोई बाहर जाता है काम करने के लिए और उसके एवज में जब उसको कुछ पैसे मिलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, अपने सर्विस को प्रोवाइड करता है, तो उसके एवज में जो उसको पैसा मिलता है और उसे भेजता है देश में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो ट्रांसफर पेमेंट है और वो हाउसहोल्ड सेक्टर में आ जाता है। वहीं अगर हम लोग बिजनेस फर्म की बात करें तो बिजनेस फर्म में हमारा जो होता है वो अगर कोई फॉरेन सेक्टर से खरीद रहा है तो एक्सपोर्ट होता है, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बदले में हम लोगों को पैसा आता है। वहीं अगर फॉरेन सेक्टर हमारे बिजनेस फर्म से कुछ खरीदता है तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। तो हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का होता है कि ये देखता है इफेक्ट इंजेक्शन का और लीकेज का। तो हम लोग लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ इंजेक्शन एंड लीकेज। तो यहां पर बात हो रही है मनी की, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, जो कि इकोनॉमी के अंदर आता है और इकोनॉमी के बाहर चला जाता है। तो इकोनॉमी या नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में या अर्थव्यवस्था में क्या फर्क पड़ता है अगर बाहर से पैसा आए, जिसको हम लोग इंजेक्शन कहते हैं, या इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर चला जाए, जिसको हम लोग लीकेज कहते हैं, तो उसका क्या फर्क पड़ता है
क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम पे या हमारी अर्थव्यवस्था पे। अब इसी से क्या होता है, हम गवर्नमेंट को पॉलिसी भी बनाने में आसानी होती है कि कौन सी पॉलिसी अपनाएं जो कि हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ज्यादा से ज्यादा इंजेक्शन हो सके। जैसे एफडीआई के बारे में रिफॉर्म्स लाया जाता है कि एफडीआई बाहर से पैसा आए, तो ये सारी चीजें जो अडॉप्ट की जाती हैं इसी के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के थ्रू ही अडॉप्ट की जाती हैं। अब लीकेज से दिक्कत क्या है, लीकेज से दिक्कत क्या होता है, जब पैसा इकोनॉमी से बाहर चला जाता है, हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर चला जाता है, तो लोगों के पास कम पैसे होते हैं खर्च करने के लिए, और जब कम पैसे होते हैं खर्च करने के लिए तो उनका जो उपभोग होता है, जो कंजम्पशन होता है, वो घट जाता है, और कंजम्पशन घटने के कारण हमारा जो इकोनॉमी में डिमांड होता है वो घट जाता है, और डिमांड घटने से फिर हमारे एम्प्लॉयमेंट में भी कमी आती है और साथ ही साथ इनकम में भी कमी आती है। तो ये है हमारा इफेक्ट ऑफ इंजेक्शन और लीकेज जो कि हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में होता है, उसी से ये बतलाया जाता है। अब दूसरा है हमारा लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो यहां लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के कहने का मतलब है कि किस तरह से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की हम लोग बात करते हैं तो ये इस्टेब्लिश करता है लिंक किसके किसके बीच में, जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है। जैसा कि हम लोगों ने टू सेक्टर इकोनॉमी में देखा था कि फैक्टर जो साधन होते हैं वो कंज्यूमर साइड से मतलब हाउस होल्ड सेक्टर की ओर से प्रदान किया जाता है जिसके एवज में उन लोगों को इनकम प्राप्त होती है, और वो लोग जो बिजनेस सेक्टर में जाके जो प्रोड्यूसर के पास जाकर जो साधन अपना उपलब्ध कराते हैं उससे जो वो प्रोडक्ट को बनाते हैं उसका कंजम्पशन भी वही करते हैं जो कि हमारा बिजनेस सेक्टर उसको सप्लाई करता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक लिंक स्थापित करता है, ये एक जुड़ाव स्थापित करता है हमारे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो थर्ड जो है पॉइंट है हमारा, ये हम लोगों को बताता है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज के बारे में। ठीक है, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज। अब इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब हमारे कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत में बढ़ोतरी होती है तो उसे हम लोग कहेंगे कि इन्फ्लेशन है, और डिफ्लेशन कब कहेंगे, जब हमारे कीमत स्तर जो है नीचे गिर जाती है तो उसको हम लोग कहेंगे कि डिफ्लेशन है। तो इससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कैसे लीकेज, ठीक है, अगर पैसा बाहर जा रहा है इकोनॉमी के, या इंजेक्शन अगर पैसा इकोनॉमी के अंदर आ रहा है तो वो किस तरह से इकोनॉमी का जो स्मूथ फंक्शनिंग है, इकोनॉमी जो हम लोगों का काम कर रहा था उसमें वो डिस्टरबेंस पैदा करता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझें कि सेविंग जो होता है, सेविंग क्या है, सेविंग एक तरह से हम लोगों को लीकेज है इकोनॉमी के अंदर, और जब सेविंग हमारा लीकेज का काम करता है तो इससे फर्क क्या पड़ता है, हम लोगों का सेविंग इंक्रीज हो जाता है। अब सेविंग इंक्रीज होगा इसका मतलब आप लोग इस प्रकार से समझिए कि सेविंग अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो सेविंग अगर इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग उपभोग जो है ये कम कर दे रहे हैं। अगर हम लोग उपभोग कर देंगे तो डिमांड जो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी के अंदर वो क्या होगा, डिमांड हमारा घट जाएगा क्योंकि अब हम लोग कम कंजम्पशन कर रहे हैं। अब डिमांड घट जाएगा तो लोगों को प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं करेगा, इसका मतलब इसका फर्क किस चीज पे पड़ेगा, इंप्लॉयमेंट पे पड़ेगा, और इंप्लॉयमेंट क्या हो जाएगा इस कारण से घट जाएगा, और इंप्लॉयमेंट घटने के कारण हमारा इनकम भी घट जाएगा। तो ये हमारा लीकेज जो होगा, अगर लीकेज सेविंग हमारा क्या होता है, लीकेज होता है कभी भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, तो जब अगर लीकेज होगा तो इस प्रकार से ये काम करेगा और इकोनॉमी में क्या होगा, हमारा इनकम घट जाएगा। वही
अगर हम लोग बात करें कि कंजम्पशन अगर बढ़ जाता है, तो कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड हमारा बढ़ जाएगा, उसके बाद डिमांड बढ़ने के कारण इंप्लॉयमेंट हमारा बढ़ जाएगा और साथ ही साथ इनकम भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। वहीं अगर हम लोगों का लीकेज होगा तो इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाएगा, डिप्रेशन की स्थिति आ जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जो वीडियो होगा, वो नेशनल इनकम के बारे में होगा और जल्दी हम लोग स्टैटिस्टिक्स के भी वीडियोस को देखेंगे और समझेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।